नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। 32 वीडियो अभी तक बन चुकी है। अभी हम क का की सीख रहे हैं। हिंदी पढ़ने और लिखने दोनों के लिए आपको क का की का आना बहुत जरूरी है। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें द तक मैं सभी क का की के सभी स्वर बता चुका हूं कि कैसे उस पर मात्रा लगती है, कैसे उन पर मात्राएं लगाई जाती है और क का की बनता है। अब हम ध से शुरू करने वाले हैं। ध से लेकर बिल्कुल ज्ञान तक इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं उन लोगों को इस चैनल तक जरूर लाइए और उन लोगों को बताइए कि यहाँ पर हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मुझे आशा है आपने पीछे की वीडियो जरूर देखी होगी। तो द तक हम कर चुके थे, अब ध की बात करते हैं। तो ये हमारा ध था, ध पे आ का डंडा लग गया तो क्या बन गया? धा। शब्द थोड़े छोटे हो सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था शब्द थोड़े छोटे लग रहे हैं, तो यहां से समझिए कि ये बनता कैसे। आप मार्केट से कहीं भी कायदा खरीद के इन सब चीजों को आप आसानी से ले सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। ये लिखे हुए आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि क का की हिंदी, तो भी आपको ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाएगी, वहां से आप उतार सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यहां से उतारे, यहां से सिर्फ देखे कि कैसे बनते हैं और इनको क्या बोला जाता है। ध धा। अब ध पे ही छोटी की मात्रा लगा ली, धी। ध पे बड़ी की मात्रा, धी। पहले पूरा लिख लेता हूं फिर दोबारा से पढ़ के इसे बताऊंगा। ध, ध के साथ अ का साउंड, ध, ध के साथ आ का साउंड, धा, ध के साथ ई का साउंड, धी, ध के साथ ई का साउंड, धी। तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूं पूरा, उसके बाद आपको पढ़ के बताऊंगा पिछले वीडियो की तरह। ध पे ऊ की मात्रा, धू। ध पे बड़े ऊ की मात्रा, धू। ध पे ए की मात्रा, धे। ध पे ऐ की मात्रा, धई। ध पे ओ की मात्रा, धो। ध पे औ की मात्रा, धौ। ध पे अंग की मात्रा, धं। ध पे अह की मात्रा, ध। तो यहां पर ध तक हमारा पूरा हो गया। ओके, इससे पहले मैंने क का की से बिल्कुल शुरुआत से मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क का की भी सीख सकते हैं। ओके, उसके बाद यदि आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है इसी तरह से, तो मेरे यूट्यूब चैनल आसान है पर जाकर बेसिक इंग्लिश भी सीख सकते हैं। 200+ वीडियो अपलोड है वहां पर भी जाके विजिट जरूर करें। अब ध के बाद आता है न, तो न की बात करते हैं। न पे आ की मात्रा, ना। नी, नी। नू, नू। ने, नई। नो, नौ। नम, नह। एक बार देख लूं अच्छे से आ रहा है या नहीं। बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, इस चीज को गौर से देखिए। और अगर आपको लिखना है, मुझे पता है कि आपको लिखना है, तो अगली वीडियो में मैं लिखने के लिए भी बता दूंगा कि आपको लिखे हुए कहां पे आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको भी अवेलेबल करा दूंगा अपने फेसबुक पेज पे मैंने डाल भी रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। या फेसबुक के चक्कर में, मेरे चक्कर में छोड़िए, आप मार्केट से कायदा ले आइए, 10 रुपए का आता है, उसमें सभी चीजें ये लिखी होती है। छोटे बच्चों की बुकों में भी ये लिखी होती है, हिंदी ग्रामर में, हिंदी फर्स्ट में। तो त, थ, द, ध, न हो गया। अब हमारा क्या चलेगा? प की लाइन, फ की लाइन, ब की लाइन, भ की लाइन, म की लाइन। ओके, अगर आप खुद बनाना चाहें तो अभी बैठकर बना सकते हैं, मैं साथ के साथ बना रहा हूं। इस वीडियो को रोक दीजिए और पहले बनाकर देखिए, उसके बाद चेक करना कि क्या सही था क्या गलत था। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पं, पह। फ लिख गया हमारा, फ के साथ आ का डंडा, फा। फी, फी। फू, फू। फे, फई। फो, फौ। फं, फह। ब हो गया हमारा, ब के बाद बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बऊ, बम, बह। अब ये
ये ब होता है, ये भ होता है, दोनों का अलग अलग साउंड है। ब भ, भ के बाद भा, भी, भी, भू, भू। अगर आपको ये भी बनाना नहीं आता तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो वन से पूरा कोर्स बनाया हुआ है। 40 वीडियो अभी तक एएमटी क्लासेस पर डल चुकी है, तो उन वीडियोस पे जरूर देखिए आप, अगर आपको इससे बेसिक पर भी सीखना है तो। भू हो गया हमारा, भे भई, भो भव, भंग भ। अब ये भ होता है, यहां से मुड़ा हुआ होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये म होता है, म मा, बहुत यूज होता है ये म वाली लाइन, बहुत यूज होती है। म मा, मी मी, मु मु, मे मे, मई मो, मऊ मंग, मह। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए, आदित्य मोहन ठाकुर हैंडल है, वहां पर भी सपोर्ट दिखाइए, वहां पर भी और चीजें भी मैं अपलोड करूंगा। ओके, अब म तक हो गया, म के बाद क्या होता है, य र ल व। एक बार देख लेता हूं कहां तक दिख रहा है इसमें, व तक हो जाएगा हमारा। य या, यी यी, यू यू, ये यई, यो यो, यम यह। र हो गया हमारा, र के बाद रा, री री, रू। छोटे वाले में यहां पर रू डायरेक्ट आ जाता है, और बड़े वाले में ऐसे डंडा लगा के फिर रू आता है, रू रू। दोनों पर ऐसे ही लगता है, इस पर ऐसे और ऐसे नहीं लगता, इस पर ऊपर लगता है, इसके बीच में। ओके, र रा, री री, रू रू, फिर ऊपर रे रई, रो रऊ, रंग रह। ल हो गया, ल ल भी बहुत यूज होता है, ला ली ली, लू लू लू, लू ले लई, लो लऊ, लंग लह। अब व आ गया, व वा, वी वी, वु वु। ये व होता है, और जो पेट कटा हुआ होता है वो ब होता है, वो वे वई, वो वउ, वं वह। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये ए टू जेड ऐसे के ऐसे यूज नहीं होते, इनका साउंड चेंज हो जाता है जब हम शब्दों को लिखते हैं, इसीलिए शब्दों का अभ्यास मैं बार बार कहता हूं बहुत जरूरी होता है। शब्दों का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अभ्यास से हमें ज्यादा चीजें समझ में आती है। तो हमेशा की तरह इसको मैं दोबारा से रिवाइज करके एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से आ सके। ध धा, धी धी, धूप धू, धे धई, धो धौ। जब ये बोलेंगे तो इसका साउंड भी आएगा साथ में, ध के साथ अ का साउंड, धा के साथ आ का साउंड, धी के साथ ई का साउंड, धी के साथ बड़ी का साउंड, इनके साउंड आते हैं साथ में। ओके, तो ध धा, धी धी, धू धू, धे धई, धो धौ, धं ध। न ना, नी नी, नु नू, ने नई, नो नौ, नं नह। प पा, पी पी, पु पू, पे पई, पो पौ, पं पह। फ फा, फी फी, फु फू, फे फई, फो फौ, पं फह।
ब बा बी बी बु बू बे बई बो बऊ बं बह भ भा भी भी भु भू भे भई भो भौ भं भ म मा मी 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 मु मु मे मई मो मौ मं मह य या यी यी यु 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 ये यै यो यौ यं यः र रा रि रि रु रु रे रै रो रौ रं रः ल ला लि लि लु लु ले लै लो लौ लं लः व वा वि वि वु वु वे वै वो वौ वं वः। चलिए अब आगे देखते हैं। व तक हम कर चुके थे य र ल व, अब क्या आता है श श स ह अक्ष त्र ज्ञा। अब ये बचे हमारे, तो इसकी भी आ के साथ, ई के साथ, बड़ी के साथ, ऊ के साथ आप बना सकते हैं खुद से इन मात्राओं को देखकर। तो वीडियो को रोककर खुद से भी बनाने का प्रयास करें, यदि नहीं करना चाहते तो मेरे साथ ही करते रहें, ओके। तो वीडियो को रोककर अभ्यास भी कर सकते हैं, अभ्यास करें साइड में। अभी हो गया श, ये श होता है श श शा शी शी शू शू शे शई शो शौ शं श। ये भी श होता है, क्या होता है श, ये श होता है श, ये श श शा शी शी शू शू, दोनों का लगभग एक ही जैसा आवाज होता है। शे शई शो शे शई, एक गलत हो गया, शो शौ शं शह। इन शब्दों का ना बहुत कम उपयोग होता है इनका, ज्यादातर इस वाले स और इस वाले स का प्रयोग ज्यादा होता है। अब ये स होता है स, बिल्कुल साफ श, ये श होता है, और ये स होता है स सा सी सी। ओ यहां पर गलत हो गया था इस वाली लाइन में, तो आपको समझ आ गया होगा, एक वहां एक्स्ट्रा हो गया था। स सा सी सी सु सु से सई सो सौ सं स स, ह की आवाज आती है। अब इसमें क्या होगा, ह हा ही ही हु हु हे हई हो हौ हं ह ह। अब अक्ष हो गया, अक्ष अक्षा अक्षी शी। अब इसका जो अक्ष अक्ष पढ़ेंगे ना, तो ये ऐसी होता है, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। जब शब्द के साथ आप पढ़ेंगे तभी ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन सही मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब शब्दों का अभ्यास हम करेंगे, हमें ये जानना है कि ये क्या शब्द है, जब शब्द लिखे जाएंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर होंगे कि क्या आते हैं अक्ष अक्षा, क्योंकि यहां पर अलग साउंड आएगा, जब शब्द लिखते हैं हम तो अलग साउंड आता है। अक्ष अक्षा अक्षी अक्षी शु शु शे, जैसे बोलते हैं क्षेत्र, इसको वैसे क्षेत्र बोलते हैं। शे शई अक्ष अक्ष अक्षा अक्षी अक्षी अक्षु अक्षु अक्षे। अब अक्षे पढ़ेंगे ना इसको, लेकिन
जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्षेत्र क्षेत्र, ये छ की आवाज निकालता है, अक्षय अक्षय अक्षो अक्षो, पर अब इसको ऐसे ही पढ़ेंगे मेरे हिसाब से, अक्षो अक्षर अक्षर है, पर इन शब्दों का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है, क्षेत्र लिखा होता है ये क्षेत्र। ओके, तो ये जब शब्द को आप लिखेंगे अभ्यास करेंगे, इनके अलग अलग शब्द मैं लिखवा दूंगा आपको, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। त्र त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु। यदि आप नए सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पुरानी वीडियो जाके जरूर देखिए, हिंदी का पूरा कोर्स अपलोड हो रहा है इस चैनल पर। त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्रयी त्रो त्रौ त्रं त्रह। सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम शब्दों में, इनमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनका बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज्ञ ज्ञा गी गी ग्यू ग्यू ये ग्यनी ग्यो ग्यौ ग्यं ग्यः। इसी के साथ हमारा एक श्र और होता है, जैसे ये श्र होता है, श्र श्रा श्री, सॉरी बड़ी कंफ्यूजिंग है, श्री शु श्रु श्रे श्रै श्रो श्रौ श्रं श्र। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया आपका। अब इसके साथ जो हमारा ड होता है वो अलग होता है, अंगा होता है वो अलग होता है, और र होता है ये अलग होता है। इसी तरह से ढ अलग होता है और ड्र अलग होता है। इसकी वीडियो भी मैं आपको बाद में बना के दूंगा जिसमें सेपरेट ये चीजें बताऊंगा। तो अब एक बार हमेशा की तरह इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। श शा शी शी शु शु शे शई शो शो शं शह श शा। यहां एक गलत हो गया था, एक को मिटा देता हूं मैं। श शा शी शी, इसी की वजह से एक एक आगे हो गया ये। श शा शी शी शु शु शे शई शो शौ शं शह। अच्छे से समझ आ रहा होगा, इन मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। ये 12 मात्राएं हैं, 12 खड़े की, इनको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे ना, तब तक आपको दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि ये सभी मात्राएं क्या होती है, दो दो मात्राओं से मिलकर बनती है। या तो ये मात्रा होगी, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ई में ये दो मात्राएं आएंगी, ऊ में ये दो मात्राएं आएंगी, ये भी आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं, और अच्छे से समझ आएगा आपको। स सा सी सी सु सु से सई सो सौ सं सह ह हा ही ही हु हु हे है हो हौ हं ह अक्ष अक्षा अक्षी क्षी शु शु शे शै अक्षो अक्षौ अक्षं अक्षः त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु। इनमें हमेशा याद रखिए, यदि पुराने वीडियो देखते हैं तो आपको पता है इसमें हल्का स्वर आता है और इसमें दीर्घ स्वर आता है, बस यही अंतर है दोनों में। इसमें हल्के से स्वर आता है त्रि, इसमें त्रि जोर से। यदि पुरानी वीडियो देख रहे हैं ना तो हर चीज क्लियर होती जाएगी, और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखते हैं तो बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे जिसका जवाब मैं पुरानी वीडियोस में देख चुका हूं। इसीलिए कहता हूं कि पुरानी वीडियोस को लाइन वाइज देखते हुए आइए और सवाल ऐसा लिखिए जो मैंने पहले नहीं बताया हो, तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर। त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्रयी त्रो त्रौ त्रं त्रः या या यी यी या या ये यी यू यू ये यही यो यौ यं यह। ये भी य की तरह ही आवाज निकालता है, जो पीछे हमारा य था।
श्रा, श्री श्री, श्रु श्रु, श्रे श्रई, श्रो श्रौ, श्रम श्र। तो ये 12 खड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, आशा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को, जो ये दो वीडियो बनी हुई है, बार बार देखें। अगली वीडियो भी हमारी 12 खड़ी की ही होगी, उसमें पहले से 12 खड़ी लिखी होगी, उसको मैं दोबारा से पढ़ के बताऊंगा ताकि सभी चीजें अच्छे से रिवाइज हो सके। हिंदी पढ़ने लिखने के लिए ये 12 खड़ी बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से बहुत लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, पर कई दिक्कतों की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बार बार लंबे समय तक बोलना पड़ता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरह हिंदी सीखते रहें और आगे बढ़ते रहे। और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, उनका मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उनमें आंसर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बहुत दिनों के सवाल आते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, कोई पीछे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है हमें ये चीज पता नहीं चलती, आप हम चेक करके फेसबुक पे भेजते हैं, लिख कर भेजते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते हो। तो इन सभी चीजों का जवाब आपको मिलेगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह अपना समर्थन बनाए रखें। सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।